चलिए फिर हम नए क्वेश्चन के साथ हैं। इसमें है सम चतुर्भुज रिम्बस बनाना जिससे विकर्ण ए बी 60 मिलीमीटर तथा सी डी 40 मिलीमीटर हो। ये काफ़ी आसान है जिसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। सम चतुर्भुज, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही चीज़ करेंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक है, वो पेंसिल की सहायता से एक मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, एक वर्टिकल लाइन फिर खींच लेंगे। वर्टिकल लाइन नहीं, एक लाइन खींच लिया हमने, ये लाइन कितना होना चाहिए, ये बुलचंद चतुर्भुज के दो भुज, दो विकर्ण, एक विकर्ण 60 है, एक 40 है। तो चलिए भाई एक हम ले लेते हैं, पहले 60 ले लिया हमने, 60 ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 60 ले लिया, ठीक है, अब मिटा देते हैं यहाँ तक, स्टैंड जो ज़्यादा हो गया था, 60 हमने ले लिया, अब बचा हमारा 40 का, तो 40 हम कैसे लेंगे, 40 लेने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सेम जो हम लाइन को बाइसेक्ट करते थे सेम वही मेथड अपनाएंगे, ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने बताया है कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो बाइसेक्ट करने के लिए फिर से वही चीज़ है, इसको आप पॉइंट ले सकते हैं ए और ये बी ले सकते हैं, ठीक है, तो हम ए से बी की तरफ चाप लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे खींच दी, आर्क इसने ले लिया हमने इधर, और सिर्फ फिर बैक साइड में घुमाते हैं, फिर इधर आर्क ले लिया एक, फिर ए से क्या करते हैं, ए से बी की ओर जाते हैं, और ये लाइन ये खींच देते हैं, लाइन नहीं आर्क ले लेते हैं फिर से, जो एक पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट इस साइड, एक पॉइंट इस साइड, ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको हम बाइसेक्ट जैसे करते थे, मतलब एक पॉइंट ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट को हम मिलाते हैं, देख रहे हैं ना, हो गया, अब क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर 40 सीडी, सीडी मतलब 40 मिलीमीटर, ठीक है, तो 40 मिलीमीटर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 ऊपर ले लेंगे, 20 नीचे ले लेंगे, 20 हमने यहाँ पे 40 ले लेते हैं, इसमें दो जगह पॉइंट देते हैं, पॉइंट हम पेन से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दो पॉइंट हो गया, ठीक है, तो अब जो हमारा ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, 20 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे, मतलब अगर इसको हम P और इसको Q ले सकते हैं, पॉइंट को कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, P को कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, तो इसको हम A को Q से मिला देते हैं, A से Q को मिला दिया, फिर Q से B को मिला देते हैं, लाइन को Q से B को मिला दिया, फिर क्या करेंगे, B से P को मिला देंगे, B से P को मिला देंगे और P से A को मिला देंगे, चलिए हमारा क्या बन के हो गया, ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, चारों भुजा जो होता है ना इसमें भी सेम होता है,
मतलब आमने सामने की जो भुजा है देख रहे हैं, जो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उधर भी सेमी डिस्टेंस होगा, लेकिन इसका जो विकर्ण जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आमने सामने की जो भुजा होगा वो सेम हो जाएगा, समबाहु, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको जितना भी आईटीआई का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके हम देंगे, और आप क्या है कि आप बनाते रहिए, और कुछ भी डाउट हो आप हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका हम तुरंत रिप्लाई आपको हम देंगे।